अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए नई नई पार्टीज, कस्टमर्स, क्लाइंट्स को कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो भी एक न्यू मेथड से जो कि है एग्जीबिशंस। आपको पता है कि एक्सपोर्ट, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्टर क्या करते हैं, डिफरेंट एग्जीबिशंस में जाते हैं, वहाँ पे अपना स्टार, अपने प्रोडक्ट का स्टार लगाते हैं। उन एग्जीबिशंस में क्या होती हैं, दो पार्टीज होते हैं, एक एग्जीबिटर्स होते हैं जो एग्जीबिशन लगाते हैं, और एक विजिटर जो क्लाइंट जो उस एग्जीबिशन में आते हैं, वो आके उस कस्टमर उधर वहाँ पे प्रोडक्ट्स देखते हैं, डिस्प्ले हो रही होती हैं प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स को देखते हैं, उनकी प्राइस वगैरह सेट देखते हैं। फिर वो जो क्या होता है, एग्जीबिटर जो होता है वो अपना विजिटिंग कार्ड शेयर करेगा, ब्रोशर्स शेयर करेगा, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देगा, वहाँ से एक प्रोडक्ट की डीलिंग होगी। अगर उनको पसंद आती है तो फिर वो वहाँ पे जाके ऑर्डर जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत से एक्सपोर्टर पाकिस्तान से भी जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, USA, जर्मनी में जाके अपनी एग्जीबिशन लगाते हैं, अपने स्टॉल लगाते हैं प्रोडक्ट्स के। तो हमने अब कस्टमर को सर्च करना है उन स्टॉल से, उन एग्जीबिशन से। तो वो आज का तरीका सीखेंगे कि हम उन एग्जीबिशन में जाके अपने लिए कस्टमर को, पार्टी को, क्लाइंट को कैसे सर्च करते हैं। ठीक है जी, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू सर्च क्लाइंट, कस्टमर और पार्टी फॉर योर एक्सपोर्ट बिजनेस फ्रॉम एग्जीबिशन। ठीक है, एग्जीबिशन से हम कैसे कस्टमर्स को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में कि देखिए, डिफरेंट एक्सपोर्टर्स होते हैं, डिफरेंट कंपनीज होते हैं, वो अपने स्टॉल्स लगाते हैं अपने प्रोडक्ट्स के डिफरेंट कंट्रीज में, और उनको बोलते हैं हम एग्जीबिशन या फेयर्स, मेले लगती है प्रोडक्ट्स के। तो वहाँ पे जाके एग्जीबिटर्स होते हैं और विजिटर्स होते हैं। एग्जीबिटर्स अपना माल डिस्प्ले करते हैं और विजिटर्स उनको विजिट करते हैं, आके फिर वो उनसे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज होते हैं, कार्ड वगैरह, फिर वो जाके उसमें से ऑर्डर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, मैं एक आपको न्यू टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है, कि हम उन एग्जीबिशन में जाएंगे अपने प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, हम उन एग्जीबिशन में जाएंगे, उन एग्जीबिशन में जाके हम उन एग्जीबिटर्स को सर्च करेंगे जो कि पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं आपके। आप उनको फिर उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे और उनसे अपना बिजनेस लेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, मेरे चैनल पे आना, चैनल पे आके चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट आपने आके लगना है गूगल पे जाके सर्च करना है जी, 10 लिखना है, 10 टाइम, 10 टाइम लिख के जो फर्स्ट आपके पास वेबसाइट आएगी 10times.com, इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है जी, इवेंट्स, ग्लोबल ट्रेड शोज, फाइंड योर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज, ये वेबसाइट आपको दुनिया भर में जितने भी एग्जीबिशंस, इवेंट्स हो रहे हैं रिलेटेड द प्रोडक्ट्स, वो आपको बताएगी कि कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। यहाँ पे सर्च करें, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ सर्जिकल्स, या फर्स्ट पहले मैं लेदर, सर्जिकल तो मेरी प्रोडक्ट, हम लेदर के लिखते हैं, लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स इवेंट्स शो इन इंडिया, इन ऑस्ट्रेलिया, इन चाइना, इन जर्मनी, इन इंडिया, इन इटली, जहाँ पे हम लिखते हैं प्रोडक्ट इवेंट्स, यहाँ पे सर्च करते हैं। ठीक है जी, आपकी सपोज आपकी लेदर, आप लेदर के एक्सपोर्ट करती हो, तो लेदर के आपके एग्जीबिशन यहाँ पे आपने सर्च कर लीजिए कि चाइना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेयर फेज 3 कॉटन फेयर, ये सैटरडे 1 वेडनेसडे 5 मई 2021, ठीक है, 5 मई को ये लग रही है। फिर देखिए वाइन वुमेन शोज एंड शोज चार्लिस्टन, ये USA में लग रहा है, इस तरह ये जर्मनी में है क्रिएटिव फेयर। ठीक है जी, हम इसको 2 दिन को ओपन करते हैं, ये वाला जर्मनी वाले को ओपन करते हैं, फिर हम यहाँ पे USA को ओपन करते हैं, फिर हम यहाँ पे ये चाइना वाले को ओपन करते हैं। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ पे आप इसको फिल्टर भी लगा सकते हैं, ट्रेड शोज करने, कॉन्फ्रेंसेस करने, वर्क एट मीट करने, USA, UK, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये प्रोडक्ट्स की रेंज आ जाएगी, कौन से प्रोडक्ट में आपने करना है, आर्ट एंड क्राफ्ट में, बिजनेस में, साइंस में, ये सर्च करना है, ये फिल्टर है। लेकिन फिलहाल हम लेदर की बात करें, लेदर में ये देखें, ये आगे क्रिएटिव फेयर मैंने जर्मनी, इसमें एग्जीबिटर्स कितने हैं जी, 57 एग्जीबिटर्स बैठे हुए हैं जो कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। अगर आप उनसे कम्युनिकेशन करते हैं, उनको मेल, अपनी इंट्रोडक्शन मेल सेंड करते हैं, अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो बाई चांस हो सकता है चांस मिल सके आपको कि वो आपके प्रोडक्ट को इंटरेस्ट हो और आपको ऑर्डर दें। ठीक है जी, ये आपके एग्जीबिटर्स, मैं इसको एग्जीबिटर्स को क्लिक करता हूँ, फिर फॉलोवर्स, ये देखें
ये वो लोग हैं जो इस एग्जीबिशन में इंटरेस्टेड है, मींस या तो ये हो सकते हैं एग्जीबिटर्स हो सकते हैं, या ये विजिटर्स हो सकते हैं। आप इनको भी पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, इनसे 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 पूछ सकते हो आप क्या कौन सा काम कर रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है। आप ये भी आपके एक लाइन बन सकती है कांटेक्ट लाइन की, आप इनसे भी सर्च इनसे भी कम्युनिकेशन करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बातचीत कर सकते हो, ठीक है जी। मैंने क्या किया, पूरी दुनिया में सर्च किया कि लेदर का कहाँ कहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं। फिर मैं एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर इवेंट में गया, जर्मनी में, कंट्री में, जर्मनी में ये एग्जीबिशन लगने लगी है, और उनमें मैं उन पर्टिकुलर एग्जीबिटर्स को सर्च कर लूंगा, ठीक है जी। ठीक है जी, मैंने इन एग्जीबिटर्स को क्लिक किया, ये लिस्ट ऑफ एग्जीबिटर्स ये देखे, ये है जी। अब ये वो एग्जीबिटर्स हैं जिन्होंने इस एग्जीबिशन में परमानेंट स्पेस ली हुई है, इन्होंने कुछ फी पे की हुई है, ये परमानेंट के स्टॉल लगे होंगे, ठीक है। अब ये वो कस्टमर्स हैं जो परमानेंटली आपके पास है। आप इनमें से हर एक को अपनी इंट्रोडक्शन मेल भेजें, अपनी कंपनी के बारे में बताएं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटीज को बताएं, यानी कि इनको इम्प्रेस करें ताकि ये आपसे काम करें, आपको ऑर्डर दें और आपकी प्रोडक्ट को बाय करें। ये देखें, ये हैं जी इग्जो, ये इसकी वेबसाइट पे चले जाते हैं, एनएसआर पर्ल कंट्री, ये देखें इनकी वेबसाइट गिवन है, ये जितने भी एग्जीबिटर्स हैं इनकी वेबसाइट गिवन है। अब आपने क्या करना है, वन बाय वन हर एक की वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट की ओपन नहीं हो रही, शायद इन पे प्रॉक्सी लगी हो, ठीक है। जैसे कि ये वेबसाइट ओपन होगी, जब मैं ट्रांसलेट इसको इंग्लिश में कर ले, ठीक है। ये है जी, कैसे ये वेबसाइट आ गई, इसके बारे में देखें, वेबसाइट को पढ़े समझें, ठीक है। और इसके ये देखें, ये इंफॉर्मेशन आ गई, आपको क्या चाहिए, पार्टी का नाम चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, फोन नंबर चाहिए और उसके ईमेल चाहिए, बस आपका काम खत्म। या मैक्सिमम से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, इनको फिर मेल सेंड करना शुरू कर दें, क्योंकि ये मेलिंग से ही, क्योंकि ये देखिए, अब आप अपने प्रोडक्ट को बाहर लेके जा नहीं सकते, आपने ऑनलाइन ही सर्च करना है कस्टमर्स को, और अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू, अपनी मेल्स के थ्रू, अपनी क्वालिटी के थ्रू आपने इम्प्रेस करना होता है, ठीक है जी। ये फर्स्ट डाटा आ गया, इसका डाटा को आपने कॉपी करना है, और आप वर्ड पैड पे, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, या एक्सेल पे कोई भी आप शीट बना लें और वहां पे ये सेव करते जाए, ठीक है। ये 57 पोटेंशियल कस्टमर्स हैं आपके। अब 57 को आप 57 ईमेल भेजे तो कोई ना कोई, अगर मैं 0.1% या 1% ही लेता हूँ, एक दो का रिस्पॉन्स आ जाए तो आपको ऑर्डर मिल सकता है, ठीक है ना, आपको ऑर्डर मिल सकता है, वो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है जी, समझ आ गया आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, वाइन वुमेन शो शोज चार्लेस्टन यूएसए में, फॉलोअर देखिए उसके कितने हैं जी, ये फॉलोअर्स हैं, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, ये इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली आपने डाटा इकट्ठा करके कम्युनिकेशन करनी होती है, कस्टमर ऐसे मिलते हैं, या तो अगर आप का कोई बाहर कोई फॉरनर बैठा हुआ है तो फिर तो वेल एंड गुड, आप अच्छे से उस पर कस्टमर मिलने के चाहते हैं, लेकिन अगर आपने न्यू स्टार्ट किया तो आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। देखिए ये एग्जीबिटर चाइना में भी थी, जो इसमें एग्जीबिटर है 1000, ठीक है जी, इसको सीखते हैं। प्रोड्यूस एनिमल बाय प्रोडक्ट्स, ये देखिए बीजिंग लॉन्ग ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ये वेबसाइट देख लें, ये एक्चुअली चाइना में, तो चाइना में होगी, चाइनीज में होगी, इसको इंग्लिश में ट्रांसफर करना जी, ठीक है जी। इनके कॉन्ट्रेक्टर्स में जाएं और देखें इनका ये फोन नंबर, हर चीज आ गई, मेल वगैरह होगी, आपने इनको ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है जी। ये तरीका था।
अगर मैं इसी तरह सर्जिकल, जो मर्जी आप प्रोडक्ट सर्च कर लें, सर्जिकल का करना है सर्जिकल का कर लें, ठीक है, लेदर गारमेंट्स का करना है लेदर गारमेंट्स का कर लें, स्पोर्ट्स का करना है स्पोर्ट्स का कर लें, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, जो हर आइटम आप उसके इवेंट्स होंगे उसकी एग्जीबिशन लगेंगी, उन एग्जीबिशन में पोटेंशियल कस्टमर होंगे बैठे हुए, आपने उनके पास जाते जाना है, उनका डाटा इकट्ठा करते जाना, उनको ईमेल सेंड करते जाना है। तो आई होप सो, अगर हम लीस्ट एक्सपेक्टेड करें तो 5% 3% अगर आपको रिस्पॉन्स आ जाता है मेल्स का, तो आपके पास कस्टमर आ सकते हैं। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में हमने सीखा हाउ टू सर्च और फाइंड कस्टमर पार्टी और क्लाइंट फॉर योर एक्सपोर्ट बिजनेस थ्रू एग्जीबिशंस और फेयर्स। ये आपने सुना होगा कि आलमी मंडी में मार्केटें लगती हैं, मेले लगती हैं, जहाँ पे ये एग्जीबिशन जाके अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करती है। ठीक है जी, एक पहली वीडियो थी जिसमें हमने गूगल से सर्च किया था, आज हमने एग्जीबिशन से किया है। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो तो हो रहा है जिसमें और ट्रिक और आपको न्यू मेथड पता चलेंगे। आई होप सो आपको कुछ लर्न करने किया होगा आपने, और आप इसकी प्रैक्टिस करें सर्च करें। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।